Hello everyone, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of chemical equilibrium. So in the last class we were discussing about some of the questions. आज भी हम लोग questions का ही discussion करेंगे, ठीक है? अभी कुछ classes में questions का discussion चलेगा, उसके बाद जो remaining theory बात है, that I'll teach you. Now, if we now just move on to the next question. आई होप सो कल वाले मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे वो क्लियर हुए होंगे, उनमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है? एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी ऑन द ग्रुप, राइट? नाउ आज भी क्वेश्चंस को ही देखते हैं. सो वी हैव दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईस्टर प्रेजेंट अंडर इक्विलिब्रियम when 3 moles of ethyl alcohol react with 1 mole of acetic acid when the equilibrium constant of the reaction is 4, right? तो ये चीज ईस्टर वाला रिएक्शन मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कि ईस्टर फॉर्मेशन वाला जो रिएक्शन होता है दैट इज अ रिएक्शन इन विच प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट्स रिएक्ट, राइट? तो इट इज सेइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईस्टर प्रेजेंट अंडर इक्विलिब्रियम when 3 moles of ethyl alcohol react with 1 mole of acetic acid. तो reaction क्या बनेगा यहाँ पे? As usual, reaction will be CH3COH plus ethyl alcohol कितना है? C2H5OH and this will give CH3COO C2H5, right? Plus क्या आएगा? H2O आएगा. This is a reaction in which the pure liquid components are present. All the liquid components are entirely pure. मतलब ये liquid liquid का mixture आता है. It is a homogeneous liquid liquid reversible reaction. Yes, यहाँ पे लिख देता हूँ that it is a homogeneous. Let me just write it down that this is a homogeneous liquid liquid reversible reaction, right? So इसमें क्या बता रहे? Starting में there are 3 moles of ethyl alcohol. 3 moles of ethyl alcohol t is equal to 0 पे what is being said? It is being said that at t is equal to 0 moles of ethyl alcohol कितने हैं? 3 moles of ethyl alcohol है and acetic acid का mole कितना है? There is 1 mole of acetic acid, ठीक है? Right. तो इन सारी चीजों में अगर देखा जाए stoichiometry कैसा है? इनका stoichiometry कैसा है? Stoichiometry is 1:1 ना? तो stoichiometry is 1:1, so in this case definitely हम लोग alpha किस alpha हम लोग किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी dissociation मान सकते हैं, but generally जब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, राइट? एंड रिएक्टेंट्स जो है अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से नहीं दिए गए हैं तो हम लोग उस केस में लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं. हमें कोई सा भी रिएक्शन दिया होता है, रिएक्टेंट्स दिए होते हैं, रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट दिए होते हैं. इफ द स्टार्टिंग अमाउंट इज नॉट एज पर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देन डेफिनेटली वी यूज व्हाट? वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन ना, राइट? तो उसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन में भी अगर हमें रिएक्टेंट्स का स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है, राइट? एंड वी फाइंड दैट द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देन आल्सो वील यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. एंड यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे? वी विल टेक अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट. बात समझे क्या? ये चीज मैं लिख कर देता हूं, यहां पे लिख कर देता हूं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस व्हेन रिएक्टेंस व्हेन initial amounts
स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंस इज गिवन, और व्हेन स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंस इज नॉट एज पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देन टेक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन take degree of dissociation is equal to alpha for the LR. बात समझे क्या? हमेशा राइट. तो यहां पे भी आप CH3COH एंड C2H5OH, इन दिस केस C2H5OH के कितने मोल्स दिए गए? इसके मोल्स हो गए 3 मोल्स, एंड एसिड के कितने मोल्स हो गए? 1 मोल. तो दोनों में एल आर कौन है? एल आर डेफिनेटली कौन हो गया? एल आर हो गया CH3COH. सो दिस बिकम्स द एल आर राइट. सो इन दिस केस हम लोग अल्फा किसका लेंगे? विल टेक अल्फा फॉर CH3COH. तो अगर CH3COH का अल्फा लिया तो क्या होगा? 1 मोल में से कितना चला जाएगा? अल्फा चला जाएगा. बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा राइट. 3 मोल में से कितना चला जाएगा? बिकॉज 1 मोल ऑफ एसिड फ्रॉम स्टोइकोमेट्री, 1 मोल ऑफ एसिड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ एल्कोहल राइट. तो अल्फा मोल्स विल रिक्वायर अल्फा मोल्स ऑफ एल्कोहल ओनली राइट. सो यहां से भी कितना जाएगा? अल्फा जाएगा, माइनस अल्फा होगा. यहां से भी दे विल बी माइनस अल्फा. कितना बचेगा? 3 माइनस अल्फा राइट. एंड इसके हिसाब से वॉटर, ये ईस्टर कितना आ जाएगा? दिस इज ईस्टर दैट इज ऑप्टेन. स्टार्टिंग में 0 था राइट. ईस्टर कितना आ जाएगा? ईस्टर आ जाएगा अल्फा. और वाटर कितना आ जाएगा? वाटर भी आ जाएगा अल्फा राइट. सो दिस इज एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम. राइट. तो अब इसके हिसाब से देखा जाए, यहां पे क्या बता रहे? यहां पे ये बताया जा रहा है कि determine the amount of ester present under equilibrium when 3 moles of ethyl alcohol react with 1 mole of acetic acid when the equilibrium constant of the reaction is 4. ठीक है, equilibrium constant of the reaction 4 है. तो ये reaction देखो जरा, reaction क्या present है? All liquids are present. If all liquids are present, then definitely equilibrium constant will be in the form of what? It will be in the form of Kc only. Right. So equilibrium constant कितना दिया गया? Equilibrium constant दिया गया 4. Means K equilibrium, which is equal to कितना? Kc. This will be equal to CH3COOCH3, active mass of ester at equilibrium ki power 1, into active mass of water at equilibrium ki power 1, divided by active mass of CH3COOH at equilibrium ki power 1, into active mass of CH3OH at equilibrium की पावर 1 राइट. सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्टिव मास मतलब क्या? मोल्स अपॉन वॉल्यूम राइट. तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, CH3COH का इक्विलिब्रियम पे कितना मोल्स आया? अल्फा मोल्स आया. वॉल्यूम कितना ले लेंगे? V ले लेंगे. सो कितना हो जाएगा? अल्फा बाय V की पावर 1. इंटू वाटर का इक्विलिब्रियम में कितना मोल्स आया? अल्फा मोल्स आया. तो कितना हो जाएगा एक्टिव मास? अल्फा बाय V की पावर 1 डिवाइडेड बाय CH3COH का इक्विलिब्रियम में एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम में कितना मोल्स बचा? 1 माइनस अल्फा मोल्स बचा राइट. सो कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाय वी एक्टिव मास की पावर 1 इनटू अल्कोहल. कितना बचा? अल्कोहल बचा 3 माइनस अल्फा मोल्स. तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस अल्फा बाय वी की पावर 1 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू कितना? 4. तो एक चीज तो यहां से क्लियर दिखाई दे रही है, क्या? वॉल्यूम वॉल्यूम जो है कैंसिल आउट हो जाएगा राइट.
वॉल्यूम विल बी कैंसिल आउट। एंड अभी हम लोग क्या कर देंगे, नाउ वी कैन सॉल्व दिस, किस तरह से, 4 × 1 − α × 3 − α इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 4 × 3 − α × 1 कितना हो गया, 3 − α − 3α प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर मतलब 12, −α − 3α कितना हो गया, −4α, सो दिस बिकम्स −16α प्लस 4α² इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर, राइट। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, यहां से कितना आ गया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 3α² आ गया। सो कितना आ जाएगा, 3α² −16α प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू 0, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईस्टर प्रेजेंट, मतलब हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ईस्टर मोल्स कितने प्रेजेंट है, राइट। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना, −b − −16 प्लस −√b² b² कितना हो जाएगा, 256, 16 स्क्वायर हो जाएगा ना, b² −4 × 3 4 × 3 × 12 डिवाइडेड बाय कितना, 2a, मतलब कितना, 2 × 3, राइट। तो इफ यू जस्ट सॉल्व दिस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256 −4 × 3 कितना होता है, 12, और 12 × 12 कितना हो गया, 144 हो गया। तो 256 −144, राइट। सो कितना हो जाएगा, 6 − 4 हो गया 2, 5 − 4 हो गया 1, 1 कितना आ गया, 1 × 1 = 12 आ गया, राइट। सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 1 × 1 = 12 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया कितना, 6। अब एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 112 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज इक्वल टू अल्फा, राइट। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, बिकॉज एक रूट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक रूट अगर माइनस आ गया तब तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे अल्फा चाहिए ना, वी नीड व्हाट, अल्फा। एंड अल्फा जो है, यहां से क्या पता चल रहा है, अल्फा जो है डेफिनेटली क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, गेटिंग ना, अल्फा जो है डेफिनेटली लेस देन 1 होना चाहिए। तो बिकॉज 1 − α ना, ये एसिटिक एसिड तो बचेगा ना कुछ, तो अल्फा इज डेफिनेटली लेस देन 1। तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच इज लेस देन 1, हम लोग जो है वो वाले वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, वी गेट व्हाट, 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 112, तो अंडर रूट ऑफ 112 दिस बिकम्स 10.58, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी प्लस 16 प्लस माइनस 10.58, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 6। अब मैंने जैसा बताया, अल्फा शुड बी लेस देन 1, हम लोग अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, इस वजह से आउट ऑफ टू रूट्स वी विल कंसिडर ओनली 1 रूट, विच इज कितना, अल्फा लेस देन 1 क्यों है, बिकॉज इक्वेशन देखो ना, 1 − α, यहां से 1 − α, दिस शुड बी व्हाट, पॉजिटिव ना, मींस व्हाट, अल्फा शुड बी लेस देन 1 ओनली, राइट, बिकॉज ईस्टर एसिटिक एसिड एंड में कुछ तो बचेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना हो गया, 16 प्लस माइनस 10.58, 16 प्लस 10.58 ले लेंगे, हो जाएगा 26.58, 26.58 बाय 6 कर दिया तो कैसा हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, तो डेफिनेटली वील ऑप्ट फॉर द नेगेटिव वैल्यू, −10.58 डिवाइडेड बाय कितना, 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे एंड वील चेक फॉर द आंसर, तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा हमारे पास, वील गेट कितना, 16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय कितना, 6, गेटिंग, तो ये आ गया 5.42, दिस कम्स आउट टू बी 5.42 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस बिकम्स कितना, 0.9 अल्फा, दिस बिकम्स कितना, 0.9 33, दिस इज अमाउंट ऑफ अल्फा दैट वी हैव ऑब्टेन।
So at equilibrium, therefore, at equilibrium, amount of ester, active mass तो नहीं, because volume नहीं दिया गया, moles of ester कितना present है हमारे पास? Moles of ester कितना present है? Alpha, which is 0.9033. This is the answer. Right? I hope so. Clear हुआ होगा? ठीक है? This is how we'll solve this question, right? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी? इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से नहीं दिए गए तो अल्फा किसका लेना है? अल्फा जनरली विल बी टेकन फॉर द एनआर, ठीक है? राइट, नाउ तो आंसर इज मैचिंग. कितना आंसर दिया गया इसमें? आंसर दिया गया 0.903. अपना आंसर भी जो है उतना ही आया, 0.903 के आसपास ही आया हमारा आंसर भी. ठीक है, राइट. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. तो हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस बिलोंग टू हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम, मतलब जिसमें सॉलिड और गैसेस हो सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन और गैसेस हो सकते हैं, राइट. सो आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्लियर. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन सी इज जस्ट जूम इन. ये क्या कह रहे हैं कि एट 87 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. H2S गैस प्लस सल्फर सॉलिड रिवर्सिबल विद H2S गैस. केसी कितना दिया गया है? हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. H2S गैस प्लस सल्फर सॉलिड गिव्स H2S गैस. केसी इज गिवन एज 8×10^-2, राइट. आप क्या बता रहे हैं? If 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ सल्फर आर हीटेड टू 87 डिग्री सेल्सियस इन अ 2 लीटर वेसल, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अप्रोक्सीमेटली एट इक्विलिब्रियम, राइट. तो दे आर सेइंग एट 87 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. H2 गैस प्लस सल्फर गैस. वेट, लेट मी जस्ट. So at 87 degrees Celsius, the following equilibrium is established. H2 gas plus sulfur gas gives H2S gas. Kc दिया गया 8×10^-2. अब क्या कहा जा रहा है? If 0.3 mole of hydrogen, देखो यहीं से पकड़ो चीजों को. They are saying if 0.3 mole of hydrogen and 2 mole of sulfur are heated to 87 degrees Celsius in a 2 liter vessel, what will be the partial pressure of H2S approximately एट इक्विलिब्रियम? अब देखो क्वेश्चन जो है हमें कुछ चीजें इंडिकेट कर रहा है, कुछ चीजों का हिंट दे रहा है. वो क्या चीजों का हिंट दे रहा है? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं. H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड गिव्स व्हाट? दिस गिव्स H2S गैस, ठीक है, राइट. एंड Kc कितना दिया गया? Kc इज गिवन एज हाउ मच? Kc इज गिवन एज 8×10^-2, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ सल्फर आर हीटेड टू 87 डिग्री सेल्सियस इन अ 2 लीटर वेसल, मतलब 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ सल्फर क्या है ये? These are the starting amounts of hydrogen and sulfur which is taken in the vessel.
हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में 2 मोल ऑफ सल्फर लिया एंड 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया 2 लीटर वेसल में, उसको हीट किया 87 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाकर के जो है ये वाला इक्विलिब्रियम जो है ये एस्टैब्लिश हुआ, समझे क्या? राइट, सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये जो 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है ये स्टार्टिंग का अमाउंट है कि इक्विलिब्रियम का अमाउंट है। क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि इफ 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ सल्फर आर हीटेड टू, मतलब हम लोग 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ सल्फर लेकर आए, इसको हीट किया तब इक्विलिब्रियम आया, बात समझे क्या? राइट, सो दिस इज डेफिनेटली व्हाट, ये क्या दिया गया है, दिस इज डेफिनेटली द इनिशियल अमाउंट व्हिच इज गिवन, दिस इज द इनिशियल अमाउंट व्हिच इज मेंशन्ड, राइट। तो इसके हिसाब से t इज इक्वल टू 0 पे क्या क्या हो जाएगा बताओ जरा, व्हाट विल हैपन एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, हाइड्रोजन के मोल्स हो गए 0.3, राइट, सल्फर के कितने मोल्स हो गए, ये हो गया 0.3 मोल्स हो गया, सल्फर के कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स हो गए, और H2S के कितने मोल्स, एक भी मोल्स नहीं, राइट। फिर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.3 में से सपोज करो कितना हो गया X कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना 0.3 माइनस एक्स, हम लोग यहां पे अल्फा नहीं ले रहे बिकॉज अल्फा कुछ काम नहीं है, हम लोग माइनस 0.3 अल्फा भी ले सकते हैं वेयर एक्स इज इक्वल टू 0.3 इंटू अल्फा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, राइट। उसी तरह इसके हिसाब से यहां से भी कितना कंजम्पशन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ सल्फर, राइट, सो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस एक्स, दिस विल बी लेफ्ट हाउ मच, दिस विल बी लेफ्ट एज 2 माइनस एक्स, गेटिंग ना, राइट। एंड H2S के कितने मोल्स आ जाएंगे, H2S के मोल्स हमें मिल जाएंगे कितने, X, राइट। तो इसके हिसाब से दीज आर व्हाट, दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ क्या, जैसे मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, इफ यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम देन नो डाउट एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विल हैव H2S का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 अपॉन H2 का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 इनटू सल्फर का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम की पावर 1, राइट। बट सल्फर का एक्टिव मास कैसा है, सल्फर कैसा है, सल्फर तो सॉलिड है ना, ये सल्फर जो है ये तो सॉलिड है ना, तो अगर ये सॉलिड है मतलब इसका एक्टिव मास कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जैसे मैंने सिखाया था केसी क्या आ जाएगा, केसी विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू एक्टिव मास ऑफ सल्फर एट इक्विलिब्रियम, एंड दिस विल बिकम व्हाट द यूजुअल एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H2S एक्टिव मास ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम की पावर 1, राइट। सो फ्रॉम हियर क्या आ गया हमारे पास, KC इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H2S, एक्टिव मास ऑफ H2S मतलब क्या, एक्टिव मास ऑफ H2S मतलब हो गया मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2S की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, KC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे H2S के कितने मोल्स है, X मोल्स है, H2S के कितने मोल्स है इक्विलिब्रियम पे, द मोल्स ऑब्टेन्ड आर X, कैरिंग ना, सो मोल्स ऑब्टेन्ड फॉर H2S एट इक्विलिब्रियम इज X, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के कितने मोल्स है इक्विलिब्रियम पे 0.3 माइनस एक्स, कितना हो गया 0.3 माइनस एक्स, वॉल्यूम कितना है 2, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच KC, KC की वैल्यू कितना दिया गया 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, मतलब कितना 8 बाय 100,
राइट, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, एक्स अपॉन 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/100. सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 100x इज इक्वल टू 8 इंटू 0.3 माइनस एक्स. राइट, सो दिस बिकम्स कितना, 100x इज इक्वल टू कितना, 0.3 इंटू 8 कितना हो गया, 2.4 माइनस 8x. सो व्हाट डू वी गेट, 108x इज इक्वल टू कितना, हाँ तो ये कितना हो गया, 108x इज इक्वल टू कितना, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 2.4. राइट, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय कितना, 108. राइट, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, ये कोई चैलेंज नहीं इसको सॉल्व करना, 24 दिस बिकम्स 24 अपॉन 108 इंटू कितना, 1/10. राइट, तो व्हाट डू वी गेट, x इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 12 टू टाइम्स, 12 नाइन टाइम्स, 2 वन टाइम्स, 2 फाइव टाइम्स, ये कितना हो गया, 1/45. X comes out to be 1/45 moles. These are what? Moles of H2S at equilibrium. Right? So moles आ गए हमारे पास. मगर question क्या कह रहा है? Question says that we have to find out the partial pressure. Question says कि partial pressure of H2S at equilibrium will be. तो हमको H2S का इक्विलिब्रियम पे क्या चाहिए? हमको H2S का इक्विलिब्रियम पे चाहिए पार्शियल प्रेशर. ठीक है? So how will you calculate this partial pressure? किस तरह से आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन वॉल्यूम इंटू कितना, R इंटू टी. ठीक है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 1/45 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आ गया, 2 लीटर्स इंटू R कितना हो गया, R हो गया 0.08. R का वैल्यू दिया गया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ R एज हाउ मच. क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ आर एज, आर की वैल्यू लेना है 0.08. ठीक है, तो विल जस्ट पुट द वैल्यूज, तो वैल्यूज को रखा है यहाँ पे, तो कितना हो गया 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज गिवन एज हाउ मच, 727 डिग्री सेल्सियस. नो, कितना दिया गया, टेम्परेचर इज गिवन एज 87 डिग्री सेल्सियस. राइट, तो टेम्परेचर अगर 87 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन विल बी कितना, देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, टेम्परेचर टी 273 प्लस 87 कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 360 केल्विन. राइट, सो दिस बिकम्स कितना, 360. राइट, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया H2S, सॉरी नॉट अमोनिया, इट इज H2S हाट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, 1/90 इंटू 0.08 इंटू कितना, 360, तो 91 टाइम्स, 90 कितना, 4 टाइम्स. राइट, सो कितना हो गया ये, दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 4 इंटू 8/100 विच कम्स आउट टू बी 0.328 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, 0.32 atm, and this is the answer. Right? I hope so. ये clear हुआ होगा. तो इसके हिसाब से कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 0.32 atm. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, आई होप सो पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है सबको क्लियर हुआ होगा. राइट, तो अब देखो जरा,
अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, आई जस्ट क्लीन इट एवरीथिंग जल्दी से. सो रीड द क्वेश्चन. तब तक क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेज दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन CaCO3 सॉलिड. वेट, इट विल टेक ओनली 1 मिनट. आई जस्ट क्लीन एवरीथिंग. दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप बेस्ड अपॉन द हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम कंडीशन. राइट, सो लेट अस सी दिस मच इज लेफ्ट. ठीक, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CaCO3 सॉलिड गिव CO, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस इज कितना? 8.21 एटमॉस्फेयर एट 727 डिग्री सेल्सियस. इफ 1 मोल ऑफ CaCO3 इज प्लेस इन द 10 लीटर कंटेनर, व्हाट इज द वेट ऑफ CaO फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम? तुमको क्या बताना है? हमको वेट ऑफ CaO बताना है. ठीक है, वेट ऑफ CaO बताना मतलब हमें मोल्स ऑफ CaO पता चल जाए तो हम लोग वेट ऑफ CaO बता देंगे. राइट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है? ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड. पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेते हैं. CaCO3 सॉलिड गिव्स क्या? गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ठीक है, अच्छा इसमें जो है क्या दिया गया, इसमें रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कि रिएक्शन का केपी जो दिया गया कितना है, वो है 0. केपी वैल्यू इज गिवन एज 0.821 atm. दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी विच इज गिवन. ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे हाँ, तो क्या बता रहे कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया गया है? इसका 1 मोल इज गिवन. CaCO3 का 1 मोल दिया गया. राइट, CaO नहीं दिया गया, CO2 नहीं दिया गया. तो हमसे कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो हमें प्रोसीड तो करना पड़ेगा. हमें केपी दिया गया, केपी दिया गया मतलब हमें पार्शियल प्रेशर को केपी से इक्वेट करना पड़ेगा. हमें केपी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा एंड केपी के एक्सप्रेशन को हमें 0.821 से इक्वेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें एक पाथ तो मिल गया बिकॉज केपी इज गिवन, सो वी मस्ट फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी. तो फिर टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? 1 में से कितना अल्फा चला गया, कितना आ गया 1 माइनस अल्फा. CaO भी कितना आ गया अल्फा और CO2 भी कितना आ गया अल्फा मोल एंड ये भी कितना हो गया अल्फा मोल्स. दीज आर मोल्स विच आर लेफ्ट. ठीक है, दिस इज वॉट मोल्स एट इक्विलिब्रियम. दीज आर मोल्स एट इक्विलिब्रियम. राइट, नाउ आप देखो जरा इसके हिसाब से क्या हो गया. इसके हिसाब से अब हमें केपी दिया गया, तो केपी के हिसाब से क्या हो जाएगा? केपी इज इक्वल टू कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1. यस, बिकॉज इन द एक्सप्रेशन पावर 1 एट व्हाट? इक्विलिब्रियम, नो डाउट. बिकॉज इन द एक्सप्रेशन केपी में इसका पार्शियल प्रेशर तो आएगा नहीं. CaO सॉलिड इसका पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा. पार्शियल प्रेशर आएगा तो किसका आएगा? CO2 का आएगा जो कि गैस है. सो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू कितना? 0.821 atm. राइट, तो वी हैव ऑब्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.821. नाउ वी नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम इंटू कितना? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम इंटू हाउ मच? आर इंटू टी. राइट, तो इसके हिसाब से ये कितना हो गया? 0.821 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2
अपॉन वॉल्यूम कितना दिया गया, यहाँ पे वॉल्यूम इज गिवन एज हाउ मच, वॉल्यूम इज गिवन एज 10 लीटर्स, ठीक है। सो वॉल्यूम इज गिवन एज 10 लीटर्स इंटू आर, आर कितना हो गया, आर हो गया 0.0821। इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया, टेम्परेचर इज गिवन एज 727 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर केल्विन कितना हो जाएगा, 727 प्लस 273, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 1000 केल्विन, राइट। सो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉट ऑल डू बी ऑप्टेन, यहां से अगर हम लोग कैंसिल करने जाएंगे, सो 1 टाइम्स एंड ये हो गया कितना, 10 टाइम्स, राइट। तो इसके हिसाब से कितना आ गया हमारे पास, वॉट डू बी ऑप्टेन फ्रॉम एयर, यहां से आ जाएगा हमको 10 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 10 इंटू कितना, 1000, 10 वन टाइम्स, 10 100 टाइम्स, राइट। तो यहां से मोल्स ऑफ CO2 हमको मिल गया कितना, 10 बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.1, राइट। सो दिस इज द मोल्स ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम पे कितना मोल CO2 का, अल्फा है ना, राइट। एंड अल्फा मोल किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी है, राइट। इक्विलिब्रियम में मोल्स ऑफ CO2 इज अल्फा एंड अल्फा मोल कैल्शियम ऑक्साइड का भी है। तो यहां से क्या किया जाएगा, व्हाट शुड बी डन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या बताएंगे, मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 विच इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.1 आ गया। सो मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू मास ऑफ CO अपॉन मोलर मास ऑफ CO विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 0.0.1, राइट। सो यहां से हम कितना बता देंगे, मास ऑफ CO इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1 इंटू मोलर मास, मोलर मास ऑफ CO कितना होता है, मोलर मास ऑफ CO इज 56, राइट। सो दिस बिकम 0.1 इंटू 56, दिस बिकम्स 5.6 grams, मास ऑफ CO कम्स आउट टू बी 5.6 grams, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर, राइट। तो इसके हिसाब से 5.6 grams आंसर इज कितना, बी पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते, अब हम लोग पहले अगला कंसेप्ट आता है, अगले जो क्वेश्चंस हैं दोज आर बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। मगर क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम लोग फटाफट इक्वेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या इक्वेशंस डेवलप हुए थे, ठीक है, जल्दी से देखेंगे, सो दैट एक बार रिवीजन भी हो जाए तुम्हारा, उसके बाद हम लोग इसके वेपर डेंसिटी क्वेश्चंस में आएंगे, राइट। एंड ध्यान रहे वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ठीक, चलो लेट अस गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल डी कैपिटल डी, थ्योरेटिकल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास एंड अल्फा, ठीक है। तो केस वन हम लेते हैं किसका, विल कंसिडर केस वन ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। सो डिसोसिएशन का केस लेते हैं, डिसोसिएशन केस में कितना हो गया, हम क्या लेंगे, 1A गैस गिव्स व्हाट, गिव्स NB गैस, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या मान लेंगे, दिस इज NB गैस, यहां पे क्या मान लिया जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया था
ऑलरेडी बता के रखा था कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड डिसोसिएशन, इन अ बैलेंस्ड डिसोसिएशन रिएक्शन व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस कितना Cl2 गैस, तो यहां पे इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो ये कितना हो गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 2। उसी तरह से जैसे मैंने यहां पे बताया तुमको, अमोनिया गैस गिव्स व्हाट, हाफ एन टू गैस प्लस 3/2 H2 गैस। मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ एक बार, तो यहां से हमारे पास n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू कितना, हाफ प्लस कितना 3/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये ऐसा सिचुएशन है, ए गैस गिव्स एन बी गैस। तो इसके हिसाब से अगर हमारे पास यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल्स हैं, द मोल्स दैट वी हैव इज ए नॉट मोल्स है हमारे पास, और इसके बिल्कुल भी मोल्स नहीं होंगे, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है, कैपिटल ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो गया, तो यहाँ से कितना यूज हो जाएगा, माइनस ए नॉट अल्फा, सो कितना हो गया, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया, ये आ गया, दिस कम्स आउट टू बी एन ए नॉट अल्फा, राइट। तो फ्रॉम ए व्हाट डू वी गेट, वी ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जैसा हम क्लास में करते थे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए विच इज लेफ्ट प्लस मोल्स ऑफ बी दैट इज व्हाट फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, मोल्स ऑफ ए लेफ्ट कितना, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस कितना हो गया, एन ए नॉट अल्फा, तो कितना आ गया, ये दिस कम्स आउट टू बी ए नॉट इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दिस विल कम आउट टू बी ए नॉट इंटू कितना, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एंड यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है क्या है, दिस मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज मोर देन ए नॉट, ये वाली चीज मैंने लिखवाई थी, कैसे मोर देन ए नॉट है, बिकॉज ये वाला एक्सप्रेशन देखो जरा क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग अबाउट 1 प्लस समथिंग, ए नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, राइट। तो इफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग मतलब डेफिनेटली ये वाला जो टर्म है क्या है, मोर देन ए नॉट हो गया ना, तो दिस मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है, दिस इज मोर देन ए नॉट, राइट। सो दीज आर मोल्स एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर ड्यूरिंग डिसोसिएशन, ड्यूरिंग डिसोसिएशन व्हाट हैपेंस, मोल्स एट इक्विलिब्रियम दे इंक्रीज, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ
ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड ग्राम मोलर मास और ग्राम मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, ठीक है राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, विल यूज व्हाट, यूज कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है ना, तो विल यूज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या, मास इनिशियल, इनिशियल मास इज इक्वल टू मास एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल मास क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल्स इनटू इनिशियल मोलर मास इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखें, अगर इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास बस ए है, तो इनिशियल मोल्स कितने हो गए, ए नॉट हो गए, बी तो है नहीं, तो इनिशियल मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बी हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग बस ए प्रेजेंट है, तो इनिशियल मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं यहां पे आता हूं, इस तरफ से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो एज पर दिस ये हमें कितना मिल गया, ये हमको मिल गया इनिशियल मोलर मास कितना हो गया, इनिशियल मोल्स कितने हो गए, इनिशियल मोल्स हो गए हमारे पास ए नॉट इंटू कितना, मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है, ए नॉट इंटू वन प्लस एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा इंटू कितना, इंटू एम ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो यहां से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एम ऑब्जर्व यहां से कितना आ गया, एम ऑब्जर्व्ड आ गया एम ए डिवाइडेड बाय वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एक्सप्रेशन हम पहले भी देख चुके, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा राइट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व मोलर मास या मोलर मास एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना, एम थियोरेटिकल अपॉन वन प्लस कितना, एन माइनस वन, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो जरा यहां पे, सिंस वन प्लस एन माइनस वन अल्फा ये वाला जो टर्म है, दिस इज व्हाट, मोर देन वन ना, सो एम ऑब्जर्व्ड विच इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन एम थ्योरेटिकल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे इधर मैं पार्टीशन कर देता हूं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम हियर, वी कम टू नो दैट देयरफॉर ग्राम मोलर मास ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यस इज लेस देन व्हाट, थ्योरेटिकल मोलर मास दैट मीन्स इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन थ्योरेटिकल मोलर मास, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एम ऑब्जर्व्ड इज लेस देन एम थ्योरेटिकल इन केस ऑफ, इन केस ऑफ व्हाट, डिसोसिएशन राइट। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन
एम ऑब्जर्व इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा विच इज लेस देन एम थ्योरेटिकल. ठीक है राइट. नाउ नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द केस ऑफ वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी के केस में आते तो जल्दी से देखते हैं वेपर डेंसिटी वाला केस, फिर एसोसिएशन वाला बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है राइट. नाउ लेट डी स्मॉल डी बी द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी एट व्हाट इक्विलिब्रियम एंड लेट कैपिटल डी बी द थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी राइट. और जब मैं पढ़ा रहा था मैंने ऑलरेडी बताया था दैट इसमें थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी राइट एंड कैपिटल डी जो होता है इट इज जनरली इक्वल टू ग्राम मोला मास थ्योरेटिकल बाय टू राइट. दैट मींस इस वाले केस में क्या होगा मोला मास ऑफ ए बाय टू. सो थ्योरेटिकल मोलर डेंसिटी जो है इट इज जनरली नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. दिस इज जनरली नॉट गिवन बिकॉज हमें क्वेश्चन में रिएक्शन दिया होता है, रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट का मोलर मास दिया गया दिया उससे तो हम लोग उससे थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी जो आसानी से निकाल ही सकते हैं राइट. एंड स्मॉल डी जो है मतलब ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑब्जर्व्ड ग्राम मोलर मास मतलब एम ऑब्जर्व्ड दिस विल बी इक्वल टू एम ऑब्जर्व्ड बाय टू. ठीक है तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया रिलेशनशिप निकालना में स्मॉल डी कैपिटल डी में एम ऑब्जर्व इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, ये रिलेशनशिप आया. तो एम ऑब्जर्व को हम लोग क्या कर सकते हैं, एम ऑब्जर्व को हम लोग कर सकते हैं टू इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना टू इंटू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा. ठीक है तो यहां से टू और टू कट जाएगा तो यहां से ये कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस एन माइनस वन. दिस बिकम्स कैपिटल डी इज इक्वल स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन कितना वन प्लस एन माइनस वन इंटू कितना अल्फा. यस दिस बिकम्स वन प्लस एन माइनस वन अल्फा. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. फिर से यहां से क्या पता चल रहा है, सिंस वन प्लस एन माइनस वन अल्फा इज व्हाट मोर देन वन ना, तो इसका मतलब क्या हो गया स्मॉल डी विच इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा. मैं बस रिवाइज करा रहा हूं इसको मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में. दिस इज लेस देन व्हाट, दिस इज लेस देन कैपिटल डी. यस नॉट राइट. तो इससे हम लोग अल्फा भी निकाल सकते हैं, इसको भी और भी हम लोग थोड़ा सा ऐसा मोल्ड कर सकते हैं. किस तरह से इसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, देखो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया, रिलेशनशिप जो आया हमारे पास इसका वो कितना आ गया, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इज स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा. ठीक है नाउ लेट अस एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कितना आ गया वन प्लस एन माइनस वन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. तो एन माइनस वन अल्फा कितना हो गया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस वन राइट. तो यहां से कितना आ गया हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस वन. इसको सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी इंटू एन माइनस वन राइट. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी एंड ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इनटू मतलब क्या स्मॉल डी राइट. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप.
राइट, तो इसके बेसिस पे व्हाट डू वी कम टू नो, इसके बेसिस पे हम एक चीज बता सकते हैं, जैसा मैंने क्लास में बताया था, अगर हम ऑब्जर्व करें एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, ठीक है ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, ठीक है, सो जस्ट कीप दिस एक्सप्रेशन इन माइंड, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी खास चैलेंज नहीं है, राइट अच्छा अब देखो, मैंने जो बताया था क्लास में, मैंने बताया था कि क्वेश्चन में कभी भी इनिशियल वेपर डेंसिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नेवर मेंशंस कैपिटल डी बिकॉज कैपिटल डी कैन बी कैलकुलेटेड, राइट, क्वेश्चन ऑलवेज मेंशंस, क्वेश्चन कभी भी मेंशन करेगा तो क्या मेंशन करेगा, ऑलवेज मेंशंस व्हाट, स्मॉल डी, दैट मींस वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, क्वेश्चन कभी भी मेंशन करेगा तो वो वैल्यू हमेशा किसका देगा, वो हमेशा वैल्यू देगा स्मॉल डी का, विच इज द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वो कभी भी कैपिटल डी का वैल्यू नहीं देने वाला, ठीक है, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट। तो हमने अभी ये वाला केस किया, डिसोसिएशन का केस किया है, तो डिसोसिएशन के केस पे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं एसोसिएशन का केस एक बार रिवाइज करा दूंगा, राइट। तो लेट अस सी टू क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द केस ऑफ डिसोसिएशन, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ, मैंने बस एक बार रिवाइज कराया। अब देखो लेट अस रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, N2O3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स NO एंड NO2, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, गिवन रिएक्शन क्या है, गिवन रिएक्शन है N2O3 गैस, N2O3 गैस gives what? NO gas plus क्या? NO2 gas, ठीक है, and they are found to be at equilibrium, they are found to be in equilibrium at 300 Kelvin, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ सच एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 23.75, तो यहां पे तो सीधे सीधे बता दिया कि वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 23.75, मतलब ये जो 23.75 दिया गया है ये क्या दिया गया, स्मॉल डी दिया गया। नाउ इट इज सेइंग कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O3 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितना परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O3 प्रेजेंट है, मतलब क्या, मास ऑफ N2O3 अपॉन मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू 100, ठीक है, राइट। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सपोज करो T=0 पे हमारे पास कितने है इसके A0 मोल्स है, ठीक है, अगर हमारे पास इसका A0 मोल्स है तो T=T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, माइनस A0 अल्फा इक्विलिब्रियम तक आते आते, सो कितना हो गया A0 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ गया A0 अल्फा, और ये भी कितना आ गया A0 अल्फा, ठीक है। इस वाले रिएक्शन को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, रिएक्शन को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आते हैं उसमें एन का वैल्यू कितना लेना है हमें, यहां से एन का वैल्यू कितना आएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा 2, बिकॉज बैलेंस्ड इक्वेशन में when the coefficient of reactant is कितना, when the coefficient of reactant is 1, in that case the number of moles of products 1 + 1 कितना है 2 है, so n का value कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, we have to find out the percentage by mass of N2O3 in the equilibrium mixture ना, तो percentage by mass of N2O3 in the equilibrium mixture निकालना है, मतलब क्या, किस तरह से काम करेंगे इसमें हम लोग, टू ऑप्टेन परसेंटेज में मास ऑफ N2O3 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यस, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टू कैलकुलेट व्हाट, परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O3 एट इक्विलिब्रियम,
मतलब इसका मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट मास ऑफ N2O3 एट इक्विलिब्रियम अपॉन मास एट इक्विलिब्रियम, मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू कितना 100, राइट। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब मास ऑफ N2O3 मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पे N2O3 के मोल्स, इक्विलिब्रियम पे N2O3 के मोल्स कितने, A0 into 1 minus alpha into कितना मोलर मास ऑफ N2O3। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे निकालना क्या है, फिर हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। अभी पहले जो निकालना है उसको तो क्लियर कर ले। अपॉन व्हाट मोल्स मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब क्या, मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना आएगा, यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितना हो गया, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, ए नॉट इंटू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, राइट। सो कितना आ गया, ए नॉट इंटू वन प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू हमने कितना निकाला, एन का वैल्यू टू निकाला ना, तो वन प्लस एन माइनस वन, टू माइनस वन, टू माइनस वन, टू माइनस वन इंटू अल्फा, सो कितना आ गया, ए नॉट इंटू वन प्लस अल्फा। दीज आर व्हाट, दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, राइट। सो दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अपॉन मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, ए नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू कितना, मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो एक तरह से हमें क्या निकालना है, ये पूरा चीज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यहां से चलो ए नॉट, ए नॉट तो कट गया, कितना आ गया हमारे पास, वन माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा इंटू कितना, मोलर मास ऑफ N2O3, मोलर मास ऑफ N2O3 मतलब क्या, मोलर मास ऑफ N2O3 क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ N2O3, मोलर मास ऑफ N2O3 अपॉन मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, राइट। यही होगा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O3, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें अल्फा चाहिए होगा, जब अल्फा आ जाएगा तभी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मोलर मास एट इक्विलिब्रियम आएगा, बिकॉज मोलर मास ऑफ N2O3 तो हम जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से व्हाट शुड बी डन, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है, वी हैव बीन गिवन द वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 23.75, मतलब स्मॉल डी के वैल्यू जो है दिया गया है, ठीक है। अगर स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया तो हम सीधे सीधे क्या यूज करेंगे, हम लोग रिलेशन यूज कर देंगे, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस, इसमें जो है ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम इस पर थोड़ा बाद में आएंगे, अब देखते हैं कि अल्फा को कैसे निकाला जाए, ठीक है। हमने अभी एक्सप्रेशन देखा क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस कितना, एन माइनस वन अल्फा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कैपिटल डी का वैल्यू कितना हो गया, मोलर मास ऑफ N2O3 बाय 2, मोलर मास ऑफ N2O3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 मतलब कितना 28 प्लस 3 इंटू 16 मतलब कितना 48 बाय 2, कितना हो गया 28 प्लस 48, 20 प्लस 40 कितना होगा 16, 20 प्लस 40 कितना होगा 60, 60 प्लस 16 कितना 76, 76 बाय 2 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कैपिटल डी का वैल्यू तो आ गया, कैपिटल डी का वैल्यू आ गया कितना 38, दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। तो एक बार कैपिटल डी का वैल्यू आ गया, तो स्मॉल डी कितना दिया गया, स्मॉल डी का वैल्यू इज गिवन एज हाउ मच, या सीरियस यूज कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन, एन का वैल्यू हम जानते हैं कितना है 2 है, ठीक है। तो यहां से कितना रख देंगे हम लोग, यहां से रख दिया जाएगा 38 माइनस स्मॉल डी के वैल्यू इज गिवन एज हाउ मच 23.75, सो दिस इज गिवन एज 23. कितना, दिस इज गिवन एज 38 माइनस 23.75 अपॉन कितना 23.75 इंटू एन माइनस वन मतलब कितना 2 माइनस वन, ये कितना हो गया अल्फा हो गया।
ठीक है. सो दिस बिकम्स कितना अल्फा 38 माइनस 23.75, तो 38 माइनस 23 कितना हो जाता है 15 हो जाता है. तो 15 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा 14.25. सो दिस विल कम आउट टू बी कितना 14.25 अपॉन कितना 23.75. ठीक है. सो इसके हिसाब से यहां से हमारे पास दिस थिंग कम्स आउट टू बी कितना, इसको मैं निकाल लेता हूं एक बार, 38 माइनस 23.75, 14.25 डिवाइडेड बाय कितना 23.75, दिस कम्स आउट टू बी 0.6. अल्फा का जो वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.6. ठीक, तो ये अल्फा आ गया हमारे पास. तो एक बार ये अल्फा आ गया, अब हम लोग सीधे से इस वाले एक्सप्रेशन में आ जाएंगे. यहाँ पे परसेंटेज वेट ऑफ N2O3 जो हमने निकाला था, परसेंटेज वेट ऑफ N2O3, तो क्या करेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ N2O3 कितना निकाला हमने, ये हमारे पास आया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू मोलर मास ऑफ N2O3 अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो मोलर मास को रखने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसको वेपर डेंसिटी के फॉर्म में रख सकते हैं. तो 1 माइनस 0.6 अपॉन कितना 1 प्लस 0. कितना 6 इंटू मोलर मास ऑफ N2O3 क्या हो गया 2 इंटू कैपिटल डी हो गया, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 2 इंटू स्मॉल डी हो गया, 2 और 2 यहां से कट जाएगा, तो कितना हो गया, ये कितना आ गया 0.4 अपॉन कितना 1.6. ठीक है, इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, या इसको एज इट इज रखा जा सकता था, इसको एज इट इज रख देते हैं, नो नीड टू कैंसिल आउट 2 N2. मोलर मास ऑफ N2O3 एज इट इज पड़ जाएगा, और मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल डी हो जाएगा. तो मोलर मास ऑफ N2O3 हमने निकाला, हमने कितना निकाला था, 2 नाइट्रोजन 28 और 3 ऑक्सीजन 48, तो कितना आ गया था 76 आ गया था, 76 अपॉन 2 इंटू कितना 23.75, राइट, एंड इंटू 100 भी होगा, शायद मैं 100 लेना यहाँ पे भूल गया था, इंटू 100 भी होगा यहाँ पे, इंटू 100 इंटू कितना 100. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू कितना आ गया 100 आ गया, सो 21 टाइम्स 2 38 टाइम्स, और इसको सॉल्व कर देंगे 41 टाइम्स 44 टाइम्स 41 टाइम्स 4 25 टाइम्स, सो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 38 इंटू 25 अपॉन 23.75. ये 38 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 38 इंटू कितना 25 डिवाइडेड बाय 23.75, दिस कम्स आउट टू बी 40%. परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O3, दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 40% दी एंड दी आंसर That we have obtained. ठीक है, राइट. नाउ आई होप से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे चीजें हमने पढ़ी हैं क्लास में उसके हिसाब से यही है. नाउ अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये था ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है 40% है, which is matching. ठीक है, परसेंटेज में मास कितना आ रहा है दिख रहा होगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दिस इज कमिंग आउट टू बी 40%, राइट. नाउ अब देखो जरा नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट बता रहे हैं कि इफ PCl5 इज 80% डिसोसिएटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस देन द वेपर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर विल बी, PCl5 जो 80% डिसोसिएट हो गया 250 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी, ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें दिमाग लगता है. देखो इसको हम लोग देखते हैं, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, मतलब आई एक्सप्लेन यू कि इसमें कैसे किया जाएगा. नाइस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं, देर इज नो चैलेंज इन दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो बस हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जिस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या है, हमें बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है
और कुछ भी नहीं इसमें। देखो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन कह रहा है कि PCl5 इज 80% डिसोसिएटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस। मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तब जाकर के PCl5 जो है क्या होगा, PCl5 विल डिसोसिएट एज व्हाट, PCl5 विल डिसोसिएट एज PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस प्रोवाइडेड व्हेन टेम्परेचर इज कितना 250 डिग्री सेल्सियस। यस, मगर ये पूछ ले कि वेपर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है बोलो जरा, व्हाट इज रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका डिसोसिएशन तो होने ही नहीं वाला है, यस नॉट, दिस इज व्हेन द टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस ना। अब ये कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे इसका वेपर डेंसिटी बताओ, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, PCl5 को डिसोसिएट होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और हमसे पूछ रहे रूम टेम्परेचर वेपर डेंसिटी बताओ, मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या देर विल बी नो डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, देर विल बी एंटायरली नो डिसोसिएशन ऑफ PCl5, एंड इफ एट रूम टेम्परेचर देर इज नो डिसोसिएशन ऑफ PCl5, मतलब PCl5 जो है ये नो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन, कोई रिएक्शन नहीं होगा PCl5 का, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेपर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ PCl5 by 2, बहुत सिंपल मैंने कहा ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ PCl5 by 2, राइट, सो दिस बिकम्स हाउ मच, मोलर मास ऑफ PCl5, फॉस्फोरस कितना हो गया 31 हो गया, प्लस 5 इंटू कितना 35.5 डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक है, तो PCl5 का मोलर मास निकाल लेंगे 5 इंटू 35.5, फटाफट निकालते हैं ये कितना आ जाएगा, दिस थिंग विल कम आउट टू बी 5 इंटू 35.5 विच इज 177.5 प्लस कितना 31, राइट, सो दिस इज 31 प्लस 177 कितना 5 by 2, सो दिस बिकम्स 208.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये, दिस कम्स आउट टू बी 104 कितना 25 वेपर डेंसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें देर इज नो चैलेंज इन दिस केस, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है नाउ एक बार मैं एसोसिएशन वाला रिवाइज करा देता हूं, एसोसिएशन के क्वेश्चंस नहीं है मगर मैंने क्लास में एसोसिएशन के क्वेश्चंस कराए थे, इट विल नॉट टेक मच टाइम, मैं फटाफट सारी चीजों को रिवाइज करा देता हूं एसोसिएशन के केस में, फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि डेल्टा जी में किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, सो लेट अस जल्दी से सी द केस ऑफ एसोसिएशन, कि एसोसिएशन के केस में हम लोग अल्फा वेपर डेंसिटी वगैरह वो सारी चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो फटाफट से केस टू, केस वन लिया था डिसोसिएशन का, तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार केस टू फॉर एसोसिएशन, ठीक है, बहुत जल्दी से देखते हैं केस टू किसका, एसोसिएशन का केस, ठीक है, तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, राइट, तो इसको मैंने क्या लिखा, किस तरह से लिखा इसको मैंने, Na गैस गिव्स व्हाट, गिव्स एक तरह से An गैस,
तो जैसा हमने डिसोसिएशन में देखा था, मैंने क्या बताया था कि जो कोफिशियंट होता है रिएक्टेंट का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और कैसे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं और ए गैस गिव्स 1/n ए एन गैस, ठीक है, राइट, इस तरह से। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से व्हाट डू वी गेट, जैसे यहां पे अगर मैंने लिखा एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 2, तो क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा डाइमराइजेशन, ठीक है, दिस विल बी रिफर टू एस डाइमराइजेशन। एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2NO2 गिव्स वॉट, N2O4, या फिर कैसे लिखा मैंने, NO2 गिव्स वॉट, हाफ ऑफ N2O4, राइट। उसी तरह अगर N का वैल्यू कितना है, N इज इक्वल टू 3, तो क्या कहा जाएगा, दिस विल बी नोन एज ट्राइमराइजेशन एंड सो ऑन, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0 पे फटाफट देखते हैं, ए के कितने मोल्स है, ए नॉट है, ए एन के मोल्स नहीं है, राइट। टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, अभी यहां पे एसोसिएशन हो रहा है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन माइनस ए नॉट अल्फा, ये कितना आ गया, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए नॉट अल्फा बाय एन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें, अल्फा जो है क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ, अल्फा इज टेकन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सो इसके हिसाब से मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएंगे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा मोल्स ऑफ ए व्हिच इज लेफ्ट प्लस मोल्स ऑफ ए एन, मोल्स ऑफ ए एन दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कितना मोल्स ऑफ ए बचा, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस मोल्स ऑफ ए एन जो फॉर्म हो गया, कितना आ गया, ए नॉट अल्फा बाय एन, ठीक है। सो मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितना आ गया, यहां से हमने क्या किया, ए नॉट को कॉमन निकाल लिया, ए नॉट को कॉमन निकाला, कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहां से वी ऑब्टेन ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, राइट। तो इसके हिसाब से क्या है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम है ना, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एन जो है हमेशा कैसा रहेगा, मोर देन 1 रहेगा ना, एन इज इक्वल टू डाइमराइजेशन, एन इज इक्वल टू 3 ट्राइमराइजेशन, एन इज इक्वल टू 4 टेट्रामराइजेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें 1 माइनस 1 बाय एन, ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस 1 बाय एन, दिस विल ऑलवेज भी कितना पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू वॉट अल्फा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कितना हो गया 1 माइनस समथिंग हो गया ना। सो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन हो गया, दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी कितना, ए नॉट इंटू समथिंग क्वांटिटी लेस देन 1 ना, राइट, यू ऑल नो दिस किस तरह से है ये। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एसोसिएशन, मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज वॉट, इज ऑलवेज लेस देन ए नॉट, मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है, दीज मोल्स आर ऑलवेज लेस देन ए नॉट, दिस इज लेस देन ए नॉट, राइट। मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इन केस ऑफ एसोसिएशन ए नॉट इंटू 1 प्लस, ओ सॉरी, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, ठीक है, राइट। नाउ फटाफट जल्दी से देखते हैं व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन मासेस, कैलकुलेशन ऑफ एम ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम।
तो एम ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं फटाफट से, जल्दी से देखते हैं किस तरह से आएगा। यूजिंग व्हाट? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट विल यूज? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कंजर्वेशन अगर हमने यूज किया तो मतलब क्या, मास इनिशियल इज इक्वल टू मास एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल मास कितना हो गया? मोल्स इनिशियल इंटू इनिशियल मोलर मास इज इक्वल टू मास एट इक्विलिब्रियम। क्या हो गया? मोल्स एट इक्विलिब्रियम इंटू मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इनिशियल मोल्स कितना है? ए नॉट है। एंड इनिशियल मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? ए नॉट इंटू वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन, राइट, इंटू कितना, मोलर मास एट इक्विलिब्रियम मतलब मास ऑब्जर्व। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ए नॉट, ए नॉट, ठीक है। तो ए नॉट और ए नॉट, तो यहां से क्या आ गया, यहां से व्हाट डू वी ऑब्टेन? मोलर मास एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना, थ्योरेटिकल मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए और अपॉन वन माइनस अल्फा वन माइनस वन बाय एन, वन माइनस वन बाय एन, ठीक है, राइट। एंड दिस विल बी व्हाट, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है कैसा है? नीचे वाला डिनोमिनेटर इज लेस देन वन ना, तो मोलर मास एट इक्विलिब्रियम इज मोर देन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। तो यहां से क्या बताएंगे, ड्यूरिंग एसोसिएशन, ड्यूरिंग एसोसिएशन एम ऑब्जर्व्ड इज मोर देन एम थ्योरेटिकल, ठीक है। एंड एक बार ये आ गया, यहीं से फटाफट से हम लोग वेपर डेंसिटी के रिलेशंस को देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी के रिलेशन कैसे हो जाएंगे? सिंपल से एक लाइन में हो जाएगा। स्मॉल डी को क्या ले लेते हैं? ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, इसको ले लेते हैं क्या, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, ठीक है। और कैपिटल डी को क्या ले लेते हैं हम लोग? इसको ले लेते हैं इनिशियल वेपर डेंसिटी, राइट। तो इसके हिसाब से क्या निकाला हमने, एम ऑब्जर्व्ड विच इज इक्वल टू कितना, टू इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम थेरेटिकल अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, टू इंटू स्मॉल डी, एम थेरेटिकल कितना हो गया, टू इंटू कैपिटल डी अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन, राइट। तो यहां से टू और टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टू और टू अगर कट गया यहां से, सो कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस 1 by n, right? This is the relation where small d is more than capital D. From the expression दिख रहा है, क्यों? Because ये वाला जो expression है, this expression is 1 minus alpha into 1 minus 1 by n. ये वाला expression कैसा है? ये वाला expression है less than 1. So capital D upon quantity less than 1 will be definitely be what? More than capital D. ठीक है, right? So during association, observed vapor density is more than what? Theoretical vapor डेंसिटी, राइट। सो इसके हिसाब से हम लोग अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन इज इक्वल टू कितना, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वन माइनस कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन। सो कितना आ गया, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, वी ऑब्टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन हाउ मच, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन कितना, स्मॉल डी इंटू वन माइनस वन बाय एन, राइट। सो और रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड एन एंड अल्फा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एन जो है कैन बी टू फॉर डाइमराइजेशन, will be 3 for trimerization, will be 4 for tetramerization and so on, right. So I hope so this is clear, right. So aaj kya karenge, aaj ke class ko hum log yahi pe close karte hain.
कल के क्लास में पहले मैं बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके बाद हम लोग डेल्टा जी के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.